मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे सुबह की। तो वेलकम टू माय चैनल रितु और मनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग करते हैं इनसे शुरू। भाई अब बज चुके हैं 11 और बस मैं बैठी थी फ्री, तो मैं कान्हा जी को यहाँ पे ले आई अपने पास, वहाँ अकेले बैठे हुए थे। हेलो लड्डू। तो बस यहाँ बैठे हुए हैं और अब बनाते हैं, भाई सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैं अपनी ले आई टोकरी, ये है मेरी टोकरी वही सब्जी की जिसमें मैं हमेशा इसी में सब्जी काटती हूँ। आज बनाऊंगी भाई मैं, ये देखिए क्या ले आई, करेले। तो करेले आज मैं बनाऊंगी भाई, भरवा करेले नहीं बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। करेलों को गोल गोल काट के और प्याज के साथ लंबे लंबे प्याज काट के और सब्जी की तरह बनाऊंगी। तो चलिए जी काट लेते हैं फटाफट करेले और फिर बनाते हैं सब्जी, फिर आ जाएगा मनन। तो चलिए, तो भी अब मैं काट लेती हूँ सारे करेले। तो फटाफट से यहाँ पर बैठी थी सोफे पर, इस कमरे में फिर भी बहुत ठंडा मौसम है, तो मैंने एसी ऑन नहीं किया। मैं कहा जब मनन आएगा ना तभी कर लेते हैं, सारा दिन भी एसी में भी नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ी सी आदत होनी चाहिए भी हर मतलब वेदर वो करना चाहिए। तो फटाफट मैं काट लेती हूँ, क्या कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं, वो करूँगी ना। तो इसके पहले मैं भी जो ये ऊपर का है छिलका ये निकालूंगी और फिर नमक लगा के रखूंगी, क्योंकि फिर कड़वे बनते हैं। काटूंगी बेशक गोल गोल, लेकिन इनका छिलका उतार के मैं फिर कट करूंगी इनको। और काम मेरा हो चुका है भाई, तो बस बैठी ही थी, मैंने सोचा इसको काट के और सब्जी बना लेती हूँ। शाम को भाई फिर वही है, शाम को लेट हो जाते हैं और सारा काम रह जाता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं 5:30 बजे ट्यूशन के, और फिर उसके बाद आपको पता ही है कितना टाइम रह जाता है, खाने का टाइम हो जाता है इतने में, तो फिर फटाफट भाग दौड़। और इतनी गर्मी है अभी इस टाइम पे, तो इसलिए फटाफट काट लेते हैं इनको। और बाहर भाई धूप है इस टाइम बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर पहले लेट गई थी, फिर मैंने सोचा भाई लेटने का कोई फायदा नहीं, नींद तो आने से रही, तो मैंने कहा इतना काम ही कर लेते हैं, और मेरी को आदत भी नहीं है अभी सोने की, क्योंकि काम पड़ा रहता है ना, काम छोड़ के भी सोना मैं तो कर नहीं सकती हूँ। तो थोड़े से मेरी आज शाम को होंगी भी दोबारा मशीन, क्योंकि मनन की जो हाउस ड्रेस है वो आपको पता ही है, हर रोज़ ही गंदी हो जाती है, तीसरे दिन डाल के जाते हैं, वाइट है ना तो मैं वाली, और एक बेड शीट वगैरह उतारी थी वो भी रहती है मेरी, तो उसको भी मैं शाम को मशीन लगा के वो धो दूँगी। ये सब है घर के काम भाई, घर के काम से होते थे फ्री, और आगे फिर त्यौहार भी आ रहे हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो बस ऐसे। तो चलिए जी मैं इनको करेलों को काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो भाई अब सब्जी कट चुकी है और इसको लेके चलते हैं भाई किचन में। और किचन की लाइट कर लेते हैं भाई ऑन, और दूध को रख देती हूँ भाई फ्रिज में, दूध भी हो चुका है वाह ठंडा, उबाल तो दे दिया था कभी का। तो अब इसके भाई मैं नमक लगा के रखूँगी थोड़ी देर, क्योंकि जो कड़वाहट होएगी ना वो निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद काटती हूँ प्याज, भाई ऐसे ही दिन निकल जाता है, कुछ नहीं पता लगता सब्जी सारा दिन। तो ये है करेले और ये है नमक, तो चलो मैं लगा देती हूँ इनके नमक फटाफट। तो ये देखिए भाई ये नमक ले लिया है और ये है करेले, तो इनको क्या है? मैं प्लेट में डाल दूँगी सारे, तो ये देखो ये सारे डाल लिए प्लेट में, और इसमें क्या करूँगी मैं, हल्का सा नमक देखिए आप चुटकी भर ऐसे, इसको स्प्रिंकल कर दो अच्छे से, बस इसको हाथों से थोड़ा सा ऐसे कर दो, और फिर क्या करो बस इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो, जो धूप की गर्मी है ना मतलब सन की, वैसे तो धूप आ नहीं रही लेकिन बाहर जो गर्माहट है उससे क्या होगा, जिसका कड़वापन है ना वो सारा निकल जाएगा, ये देखो। तो ये मैंने जल्दी सारा नमक लगा लिया है, और अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, 15-20 मिनट के लिए छोड़ कर, और बस फिर अब प्याज वगैरह काट लेते हैं हम, और उसके बाद बनाना करेंगे स्टार्ट भाई करेले, ठीक है। तो उसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर धूप में, यहीं पर खिड़की के पास ही थोड़ा चांदना सा आ रहा है सूरज का, तो बस अब मैं हैंड वॉश कर लूँ एक बार, और फिर
बनाते हैं भाई सब्जी, और हाथ भी ना भाई कड़वे कड़वे हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो इसको धो लेती हूँ मैं टोकरी को अच्छे से। चलो भाई प्याज कट कर लेते हैं फटाफट। तो भाई अब मैंने प्याज कट चुके हैं मेरे, और फटाफट निकाल लेती हूँ कढ़ाई और फिर इनको पहले तल लेती हूँ और फिर करते हैं भाई रेसिपी स्टार्ट। तो ये कढ़ाई मैंने रख ली है, अब इसके अंदर डालेंगे हम तेल। तो तेल आपने इतना डालना है कि अच्छे से तल जाए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो पहले मैं इतना ही डालूंगी और इसको गर्म होने देते हैं। और एक मैं स्पून ले लेती हूँ इनको निकालने के लिए, तो ये अच्छे से तल जाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी जल्दी बन जाती है रेसिपी। फिर दोनों को मिक्स करते हैं। तो बस तेल मेरा गर्म हो ही गया है क्योंकि भी इंडक्शन पे जल्दी होती है चीज़ें ना, सब्जी बनाओ कुछ भी है तो गर्म जल्दी हो जाता है। तो बस इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं, पहले मैं तलूंगी भाई करेले, क्योंकि करेले मैं निकाल लूँगी और प्याज तो फिर इसी में रह जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं करेले तलूंगी, हल्के हल्के से करने हैं आपने क्योंकि फिर ये बाद में भी गर्म होएंगे। तो चलो जी तेल मेरा हो चुका है गरम, और इसमें ये देखो तो आप ये गोल गोल मैंने काटे हैं इनको सारे करेलों को डाल के, और इनको कर लेते हैं अभी अच्छे से फ्राई। ये जल्दी हो जाएंगे, और भाई गर्मी इतनी है ना बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, ऐसे होता है बस बैठे रहो बनी बना 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 खाना भूल जाओ भाई, है कि नहीं। तो इनको मैं होने देती हूँ अभी, ऐसे इसमें छोड़ के रखिए और इनको होने देते हैं, फिर इनको निकाल लेंगे। हल्के हल्के से हो जाएंगे ये ब्राउन ना, तो सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्टी बनती है अभी सब्जी बहुत ज़्यादा ये। तो पहले तो मैं भर के बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो इस बार ऐसे ट्राई करते हैं। तो चलो होने देते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको जब ये तैयार हो जाएंगे। तो इतना प्याज होते हैं अभी मैंने ये चीनी ले ली है, और चीनी मैंने क्यों ली है नींबू पानी के लिए। तो ये वाली नींबू पानी के पैकेट है भाई, पूजा भाई गिर गया भाई, वेरी गुड। तो ये वाले हैं जलानी नींबू पानी, बड़ा टेस्टी बनता है भाई। तो ये मैं सैशेस में डाल दूँगी, मनन आएगा ना स्कूल से, तो एक गिलास मेरा और एक मनन का। तो नॉर्मल पानी में मैंने चीनी डिप कर ली है, और ये देखो साथ साथ बस करेले भी हो रहे हैं मेरे। तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी मनन के लिए और अपने लिए बना के और रख लूँगी। अब बच्चों का भाई इस टाइम 1 बजने वाला है, 5-10 मिनट रह गए बजने में। तो फटाफट ये तल जाए तो उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं प्याज भून लूँगी। बस 5-10 मिनट और लगेंगे भाई इसको, और ये हो जाएंगे। देखिए ये मेरे हो चुके हैं भाई करेले, और मैंने इनमें डाली अभी जीरा और तेल में, और अब इसमें मैं करूँगी भाई प्याज फ्राई। देखिए तो सारे प्याज को डाली थी, मेरे को प्याज ज़्यादा लग रहे हैं भाई। तो देखते नहीं, पर ये है कि जब भुनेंगे ना तो करेले भी मेरे पहले ज़्यादा ही थे तो ये कम हो जाएंगे। तो ये बस सारे प्याज में डाल दी। तो भाई मैं पानी में काटती हूँ, देखो जिनका सारा वो होता है ना आँखों में लगता है वो सारा इसमें ही निकल जाता है, तो फिर आपकी बिल्कुल आइज़ में भी लगता। काटते तो बहुत बुरा हाल हुआ था भाई, रोना आ गया था भाई छोड़ दो इनको, लेकिन सब्जी तो बनानी थी भाई। तभी मेरा मन नहीं करता भाई भिंडी और ये मंगवाने का ना, प्याज काटने मुश्किल हो जाते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो चलो इनको कर लेते हैं मिक्स, और अब प्याज भी होने देते हैं। बस फिर तो 5 ही मिनट लगेंगे भाई इनको, फिर थोड़ा सा ही फ्राई करना है और मसाले वगैरह ऐड करके, और फिर ये हो जाएंगे। तो ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वो पानी वाले प्याज से ना तो ऊपर तक जाता है, इसलिए मैंने कम कर दिया था इंडक्शन। तो चलिए बस जब प्याज तैयार हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इनको अच्छे से घुमाते रहना ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएंगे भाई। तो चलिए तो जी प्याज भी मेरे बस हो ही गए हैं, फिर मैं ये देखो तो इतने ही करने हैं क्योंकि फिर ये नीचे लग जाएंगे भाई, है ना। और इसमें मैं अपना करेले ऐसे करती हूँ, मसाला मिक्स कर देती हूँ, तो ये लग भी गए हैं। ओह ओ क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक कैमरा हाथ में हो ना
तो ऐसे ये ही सब होता है भाई। तो एक मिनट मैं इसको साफ कर दूं एक बार, फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो हो गया अभी साफ। अब इस टाइम पे मैं डाल लेती हूँ उसमें मसाले सारे। तो स्पून ले लेती हूँ, पता नहीं भी कैसे बनेंगे खाने में, बनाए तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे ही हैं। तो ये डाल दिया भाई धनिया पाउडर। एक बार कैमरा साफ कर लो भाई। हाँ जी, अब ठीक है कैमरा। तो ये डाल लिया मैंने धनिया पाउडर। अब इसमें डलेगा भाई इस टाइम पे टमाटर की जगह अमचूर। तो इससे क्या होगा, टेस्ट होगा जो अच्छा आएगा भाई। तो आप कच्ची अम्बी भी डाल सकते हैं, आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये डाला, ये है गरम मसाला, हल्का सा डालूंगी। और ये है मिर्च। मिर्च आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है कि प्याज कितने हैं और तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं। और ये मैंने डाल दिया नमक, हल्का ही डाला भाई, कभी ज़्यादा ना हो जाए। और ये डाल दी मैंने हल्दी कलर के लिए, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। ठीक है, अब खास इन चीज़ों को करते हैं गरम। सॉरी भाई सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों को करते हैं भाई मिक्स। देखो ये प्याजों का जो कलर है वो आ गया ना अच्छा सा। अब इनको मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, ये पॉज कर दिया था। ठीक है, अब इस टाइम पे भाई मैं जो ये चीज़ है ना करेलों वाली, ये भी मिक्स करती हूँ। और फिर इनको 5-10 मिनट के लिए दोबारा पकाऊंगी ढककर। तो चलो मैं डाल देती हूँ एक बार। तो ये देखो ये कर लिया मैंने मिक्स, और इन करेलों और प्याज को। और अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी भाई गैस पे, क्योंकि गैस को सिम कर लेते हैं। ये सिम हो जाता है, लेकिन भाई क्या होता है बीच में रुकता है, फिर चलता है, रुकता है, फिर चलता है। तो ऐसे चलते हैं इंडक्शन। तो बस मैंने इस पर रख लिया 5-7 मिनट के लिए, इसको और फ्राई करेगा। फिर हमारे बन गए हैं भाई करेले। और बताना भाई आपको कैसे लग रहे हैं देखने में। लग तो लुक वाइज तो बहुत अच्छे रहे हैं। बाकी मसाले खा के पता चलेगा भाई ये कि हाँ कच्चापन कैसा है, अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो चलो भाई अब मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना, क्योंकि मनन आने वाला है भाई। तो चलिए। तो भाई अब बन चुका है दोपहर का खाना, और ये है करेले की सब्जी जो इसके साथ बनाई थी, दही और रोटी। और मनन आ चुका है भाई इस टाइम, तो मैं दिखाती हूँ भाई। लाइट जा रखी है तो ये उसकी ऑन है, देखो ये आ गया मनन। और ये वह दूसरी लाइट ऑन है, तो इसलिए मैंने ये ऑन कर लिए लाइट। तो चलो भाई खाना खा लेते हैं दोपहर का, और फिर आपसे बात करेंगे जब भाई इसको पढ़ा के खाना खुना खा के जब फ्री होते हैं तब।